दोस्तों आज की वीडियो हम सीखेंगे भी जो हम टैली सॉफ्टवेयर से जो टैक्स इनवॉइस जनरेट करते हैं और उस इनवॉइस का जो फॉर्मेट होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से एक्सपोर्ट होता है पीडीएफ फाइल में। अगर दोस्तों जो हमारा टैली सॉफ्टवेयर से बाय डिफॉल्ट जो टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट इनवॉइस बनता है वो इस तरीके का बनता है। अगर इस इनवॉइस को हम एक्सेल सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करने के बाद में अगर कुछ इस तरीके का अट्रैक्टिव डिजाइन हम तैयार करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा जो मेन एम है वो यही है भी एक्सेल की कुछ बेसिक बातों को सीखना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये सारी बातें प्रैक्टिकली सीखेंगे भी अगर हम टैली सॉफ्टवेयर में से जो इनवॉइस जनरेट होता है उसको एक्सेल में कन्वर्ट करने के बाद में कुछ इस तरीके का डिजाइन हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें केवल सिंपल बातें ही हैं, कोई फॉर्मूला इसमें हमने यूज नहीं किया है। तो दोस्तों ये जो आज का वीडियो है ये हमारी एक्सेल सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने दो वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप एक्सेल को बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ सीखना चाहते हो तो हमारी जो दो वीडियो हमने अपलोड किए हैं उन वीडियो को भी आप जरूर देखना। और उन दोनों वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और ऊपर आपको आई बटन पर भी उन दोनों वीडियो का जो लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों जब हम टैली सॉफ्टवेयर में से पीडीएफ में कुछ अगर डाटा एक्सपोर्ट करते हैं सेल्स इनवॉइस के फॉर्मेट का तो कुछ इस तरीके से बनता है। अगर इसी रिकॉर्ड को अगर हम एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं यानी कि एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं तो टैली सॉफ्टवेयर से इस तरीके से एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाता है। और आज की इस वीडियो में इसी इनवॉइस को हमने ये जो एक्सेल में इसी तरीके की डिजाइनिंग करना सीखा है। तो दोस्तों ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में लाइव आपको बताऊंगा भी ये जो डिजाइन है वो किस तरीके से तैयार किया गया है। और जो वीडियो बनाने का दोस्तों जो मकसद है वो केवल एक्सेल से संबंधित बेसिक बातों को समझना ही है इनकी हम एक्सेल में बेसिक जो हमारी कमांड्स होती है बेसिक उसकी जो फॉर्मेटिंग होती है वो किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये आपके आने वाले इन फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजेबल रहेगी अगर आप एक अकाउंटेंट हो। क्योंकि सारी जो इनवॉइसिंग की फॉर्मेटिंग है उसको आपको एक्सेल में कन्वर्ट करने के बाद उसको मॉडिफाई करना आना चाहिए। या अगर आपको कुछ इस तरीके का अगर मैनुअली रिकॉर्ड दे दिया जाए और बाद में अगर आपको बोला जाए भी आपको हमें इस तरीके से एक्सेल में कन्वर्ट करके बताओ तो आपको ये भी अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो दोस्तों हम एक तरीके से इसके एक्सेल की एफिशिएंसी टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट देखना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी जरूर कर देना। अगर आपने दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लेना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों टैली सॉफ्टवेयर में यही वो एक नंबर इनवॉइस है जिसको हमें मॉडिफाई करना है एक्सेल में कन्वर्ट करने के बाद में। तो दोस्तों जैसे हम एक्सेल में इसको डाटा को एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने की कमांड आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो या फिर एल्ट ई शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो तो आपको यहाँ पे करंट मिलेगा। और उसके बाद में जिस भी फॉर्मेट में आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो एक्सेल में, पीडीएफ में या एक्सएमएल में, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो कॉन्फिगर में जाके। तो दोस्तों मैंने इसको ऑलरेडी करके रखा हुआ है, जैसे मैं इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से एक्सपोर्ट हो जाता है एक्सेल में। और हम सीखेंगे भी अगर हमें इस तरीके की फॉर्मेटिंग किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों हम इसका यूज करेंगे सीट नंबर 2 का यहाँ पे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस इनवॉइस को यहाँ से कॉपी करेंगे, पूरी सीट को कॉपी करेंगे। पूरी सीट को कॉपी करने के लिए दोस्तों आपको वन पे और ए के बगल में यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे बटन, इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो पूरी एक्सेल की सीट है जो सिलेक्ट हो जाती है। और उसके बाद हम कॉपी करेंगे और सीट 2 पे लाने के बाद इसको यहाँ पर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देंगे। और अब हम ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों, जो हमें इस ड्राइव का जो डिजाइन तैयार करना है इसको हम हमारे सामने रखेंगे। तो दोस्तों इसको सामने रखने के लिए सबसे पहले जो हमारा एक्सेल का डाटा है उस एक्सेल के डाटा में हमें सबसे पहले उसको सारे डाटा को सेलेक्ट कर लेना है जितना भी रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड को यहां पर जो ऑप्शन आप देख रहे हो इसमें कुछ मर्ज एंड सेंटर की जो फीचर्स है वो अप्लाई हुआ है, तो हम इसको यहां पर हटा देंगे सभी को। यानी कि अब टोटल जितने भी जो सेल है वो सब अलग अलग हो चुकी है। और अब हमारा जो फॉर्मेट है वो सबसे पहले हमें जो स्मार्ट एंटरप्राइजेस 1001 है वो यहां पर इस तरीके से डिजाइन करना है। और आप देख रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट है जो यहाँ पर ही आता है और यही आप इसके पीडीएफ में भी देख सकते हो। अगर पीडीएफ में एक्सपोर्ट करते हैं तो पीडीएफ में भी कुछ इस तरीके का नज़र आता है, लेकिन हमें इसको कुछ अट्रैक्टिव बनाना है
और अट्रैक्टिव बनाने का हमारा मेन टारगेट है एक्सेल की कुछ बातें सीखना। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो हेडिंग है हमारी, उस हेडिंग के अंदर हम कुछ हमारी रो इंसर्ट करेंगे। रो को इंसर्ट करने के लिए आपको दो पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद आप इंसर्ट पे क्लिक करते जाएंगे। आप चाहते अगर कोई ज़्यादा भी हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों हमें जो मेन हमारा जो रिकॉर्ड रखना है वो यहाँ तक ओ के कॉलम तक रखना है, यानी कि ये जो बाहर आ रहा है इसको भी हम अंदर कर लेंगे, लेकिन मेन हमारा जो रिकॉर्ड है वो ओ तक रहेगा। तो इसलिए हमें ओ तक इसको सबसे पहले यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, इस रो को ए से लेके ओ तक, और उसके बाद में मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे। तो जैसे मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी सेल्स है वो सारी मर्ज हो चुकी है ए से लेके ओ तक। इसी तरीके से हम दो या तीन चार पाँच इस तरीके से हम इसको रो को बना लेंगे, या फिर हम इसको ऊपर वाले को कॉपी भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे चार या पाँच है जो रो है उसको मर्ज एंड सेंटर कर लिया है। तो उसके बाद में दोस्तों जो हमारा कंपनी का जो नेम आपको यहाँ पर दिख रहा है स्मार्ट एंटरप्राइजेस, इसको यहाँ से हम कट करेंगे, कंट्रोल एक्स के साथ करेंगे, और जो सबसे पहले हमने जो रो मर्ज की थी उस पर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और जब जैसे हम पेस्ट करेंगे तो आप देख रहे हो दोस्तों इसके अंदर जो हमारी कमांड थी जो मर्ज वाली वो यहाँ से हट चुकी है। क्यों हट चुकी है? क्योंकि यहाँ पर जो डाटा लिखा हुआ था जिस सेल के अंदर, वहां पर वो मर्ज एंड सेंटर की कंडीशन अप्लाई नहीं थी। तो अगर आप यहाँ से चाहो तो इसको टाइप भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप कॉपी या पेस्ट करोगे, जैसे मैंने कंट्रोल एक्स करके साथ यहाँ पर इसको पेस्ट मैंने किया, हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा डाटा हमारा सारा। और एक बार ये बोलेगा आपको भी दिस ऑपरेशन विल बी केस सम मर्ज सेल एंड अनमर्ज, यानी कि डू यू कांट, अगर आप कुछ ऐसी स्थिति करोगे तो आपकी जो मर्ज की हुई डाटा वो अनमर्ज हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, हम वापस करेंगे और हम यहाँ पर लिखे हुए डाटा को वापस मर्ज कर लेंगे, तो यहाँ पर ये सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम एड्रेस को भी यहाँ पे ले लेंगे, एड्रेस भी हम यहाँ पे लेंगे कंट्रोल एक्स के साथ, यहाँ से इसको हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। और उसके बाद में इसका जो एड्रेस है, इसके एड्रेस के अगर राइशन अगर हम आगे भी हम लिख सकते हैं इसको, और उसके बाद में इसका हम यहाँ से हटा दिया, और उसके बाद में इसका जो स्टेट का कोड वगैरह जो है वो भी हम यहाँ से हटा लेंगे, और इसको भी यहाँ पर मर्ज वाले में डाल देंगे। तो ये अनमर्ज हो चुकी है, वापस हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सभी को मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक है जो मर्ज एंड सेंटर के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा जो आपने लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये हमने जो हमारा फॉर्मेट डिजाइन तैयार किया हुआ है, इस तरीके से हमने इसको सेंटर में लेके आ गए हैं। और अब हमें यहाँ पर इसकी कुछ डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, इसका जो फॉन्ट का साइज है सबसे पहले हमें यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, और उसके बाद में हम इस रो को भी यहाँ पे नीचे कर लेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ फॉन्ट के डिजाइन मिलेंगे, आप कौन सा फॉन्ट है जो यूज करना चाहते हो उसमें से आप फॉन्ट का यूज भी कर सकते हो। आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पर, तो इसमें से आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया स्मार्ट एंटरप्राइजेस का, हालांकि इसके अंदर जो डिजाइनिंग वो अलग है, यहाँ पर अलग है, तो ये भी हम कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है डिजाइनिंग के। और उसके बाद में अब यहाँ पर देख रहे हो इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का है, और इसका जो कलर है वो येलो का है। तो हम इसकी बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए आप इस जो येलो पहले वाला जो ऑप्शन है इस पर हम सेलेक्ट करेंगे। इस पर हम जैसे ही जाते हैं यहाँ पर ऑप्शन आता है फिल कलर का, हम फिल कलर पर जाएंगे और हम इस तरीके से इसका बैकग्राउंड चेंज कर देंगे। और अब इसका जो फॉन्ट का जो स्टाइल है वो येलो कलर में है, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे फॉन्ट कलर को और इसको यहाँ से येलो में कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद में इन सभी का जो साइज़ है वो हमारा इंक्रीज़ कर देंगे इसको, जितनी हमारी को ज़रूरत है। अगर आपके जो लिखे शब्द एक दूसरे के अंदर जा रहे हैं रोके में, तो आप यहाँ से इसको खींच के ऊपर नीचे भी कर सकते हो, और उसके बाद इसको यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो डाटा वो आ गया। अब उसके बाद में हम इसको यहाँ से करेंगे बॉर्डर। जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पर इसको मैंने बॉर्डर पर लिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर सभी को सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले इन तीनों रो को, और यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा इस बॉर्डर वाले ऑप्शन पर, बॉर्डर पे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे इसमें से आपको सिलेक्ट करना है थिक बॉक्स बॉर्डर पे। हम इस पर थिक बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का बॉर्डर बन जाएगा। और इस पर हमने अलग से बॉर्डर दिया हुआ, तो इसको भी हम अलग से बॉर्डर पर ला सकते हैं।
उसके बाद में जो इसकी जो टैक्स इनवॉइस की हेडिंग है उसको भी हम सेंटर में रखेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके ये अब हम इसको करेंगे मर्ज एंड सेंटर। इसको हम सबसे पहले मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से अब हम हटा के और एक एक कॉलम में ले आएंगे। अब यहाँ पर इसको जहाँ तक हमारा ओ तक डाटा चल रहा है ओ तक को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर में ऑटोमेटिक हो गया है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो टैक्स इनवॉइस है वो बिल्कुल स्मार्ट इंटरप्राइजेस के जो लाइन है इसके साथ में बिल्कुल चिपका हुआ है, और यहाँ पर आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में कुछ गैप नजर आ रहा है। तो हम इन ये दो दो हमारी रो है इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए हम दो और तीन को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर आपको डिलीट का बटन देखने को मिलेगा। तो हम इस पर डिलीट पर क्लिक करेंगे, तो जैसे डिलीट करेंगे तो वो हमारी रो संख्या वो डिलीट हो जाएगी और ये उसके पास में आ जाएगा। अब यहाँ से इसका भी हम जो डिजाइन है इसका जो फॉन्ट का साइज है वो इंक्रीज कर सकते हैं, और इसका जो कलर है वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसा भी कलर हमें चाहिए वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका अगर हम फॉन्ट का साइज बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा भी सकते हैं इस तरीके से। और अब बारी आती है यहाँ पर इस इनवॉइस नंबर की, डेट फॉर्मेटिंग की, ईवी बिल की, तो जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पे चाहिए जो इनवॉइस नंबर है वो हमारा यहाँ पर आए। तो अब आप देखो दोस्तों आपको जोतने की जरूरत नहीं है जो मर्ज की हुई सेल की, तो आप इनको यहाँ से अनमर्ज भी कर सकते हो। जैसे हमने सेलेक्ट किया और अनमर्ज कर दिया तो वापस भी उसी फॉर्मेट में आ जाएगी। और अब हमारा जो इनवॉइस नंबर है इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ ले आएंगे कंट्रोल, और इसका जो दोस्तों मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ ताकि हमें यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको डिलीट ना करना पड़े। और उसके बाद में अब इसको भी हम यहाँ से मर्ज कर सकते हैं, तीन की संख्या में मर्ज एंड सेंटर करेंगे इसको। बाद में इसका जो इनवॉइस का नंबर है उसको मर्ज एंड सेंटर में करेंगे, तो ये भी इस तरीके का आ जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पर इनका जो हम फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं, एरियल ब्लैक में है तो यहाँ पर भी हम एरियल ब्लैक सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से जो अब सेकंड कॉलम बीच के अंदर बिल्कुल आपको डेट का कॉलम दिया हुआ है तो डेट को हम यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और उसके बाद में जो डेट लिखी हुई है उसको भी यहाँ से उठा के और इसके नीचे हम इसको पेस्ट करेंगे। और उसके बाद में हम इसको भी दो या तीन कॉलम में अगर आप रखना चाहो तो दो या तीन आप कॉलम सेलेक्ट करोगे, मर्ज एंड सेंटर करोगे, इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे, और इसका भी हम यहाँ से एरियल ब्लैक का नाम दे देंगे फॉन्ट का, तो ये फॉन्ट का डिजाइन चेंज हो जाएगा। और इस तरीके से अब ईवी बिल रह गया है, कंट्रोल एक्स करेंगे ईवी बिल, और उसके बाद में ईवी बिल की संख्या, अब इसको भी हम यहाँ से मूव करके ड्रैग करके और इसको आगे वाले कॉलम में हम लेके आएंगे, और उसके बाद में यहाँ से भी हम इसको कंट्रोल एक्स करेंगे और कंट्रोल बी पेस्ट करेंगे, और यहाँ से भी हम इसके दो या तीन जितनी संख्या रखनी चाहिए इसके सेल की वहाँ से इसको हम मर्ज कर सकते हैं। और इसका भी हम स्टाइल है यहाँ से एरियल ब्लैक कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसका डाटा जो चेंज कर दिया है। और अब इसके बाद में इनका जो फॉन्ट का साइज है तीनों का हम बिल्कुल एक जैसा रखना चाहिए तो सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, और जितना आप इसमें रखना चाहो इसका फॉन्ट का साइज उतना हम रख सकते हैं। अब उसके बाद में देख रहे हो यहाँ तक जो हमारा डाटा है वो अलग तरीके से बॉर्डर में है, तो हम इसको यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में इसको एक अलग बॉर्डर देंगे, और उसके बाद में फिर इसको यहाँ से हम एक अलग बॉर्डर पे डाल देंगे। तो इस तरीके से ये जो बॉर्डर की संख्या वो हमारी अब अलग हो गई है। अब उसके बाद में हमारा जो डाटा आता है यहाँ पर कंसाइजी बिल टू का और कंसाइजी बायर्स शिफ्ट टू का, यानी कि कंसाइजी का जो मेन एड्रेस है और शिफ्ट टू का एड्रेस डालने के लिए। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख रहे हो यहाँ आपका जो एक्स्ट्रा जो डाटा यहाँ पर आ रहा है जैसे डिलीवरी नोट है, मॉडर्न टर्म एंड कंडीशंस है, अगर ये आपको नहीं चाहिए तो आप इनको यहाँ से डिलीट कर सकते हो। अब आपके देख रहे हो यहाँ पर इनके दोनों के बीच में गैप है जो आपका काफ़ी सारा बच गया है, अगर आप इस गैप को अगर यहाँ से हटाना चाहें तो हम इस गैप को भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए सेम वही ऑप्शन, हम इन सभी की रो संख्या को सिलेक्ट करेंगे और बाद में डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। और उसके बाद में आप देख रहे हो कंसाइनी, अब ये बिल्कुल यहाँ पर आप देख रहे हो बिल्कुल ये सेंटर में आ रहा है, और यहाँ तक आप इसको सेलेक्ट करोगे और मर्ज एंड सेंटर में करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा।
अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज देखने वाली, अब जैसे यहाँ पे ओनली श्री दिखा रहा है जबकि ये पूरा नाम लिखा हुआ है श्री राम ट्रेडिंग कंपनी का, आप इस फॉर्मूला बार में देख रहे हो, और यहाँ पर आपको केवल श्री आ रहा है क्योंकि बाकी का जो नाम है वो हिडन हो गया है। अब इसको ओपन करने के लिए हम इसको भी यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ये नाम भी ओपन हो जाएगा, और उसके बाद में इसी तरीके से इसका एड्रेस है जो एड्रेस को भी हम मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, और इसको हम बिल्कुल लेफ्ट साइड से ले लेंगे, ये जबकि नाम है जो हमारा ये ऑलरेडी स्टेट इसमें अलग है, राजस्थान अलग है, तो हम मर्ज इसको अलग कर देंगे और राजस्थान को अलग कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ये स्टेट का और राजस्थान कोड 08 है जो अलग से शो हो गया है। अब इसका भी हमें जो बैकग्राउंड जिस तरीके से इसमें दिया हुआ है उस टाइप का हम यहाँ से इसको भी चेंज करेंगे, बैकग्राउंड हम इसका यहाँ से चेंज कर सकते हैं जैसा कि हमें बताया जा रहा है, और उसके बाद में इसका जो फॉन्ट का जो कलर है वो वाइट कलर है, और फॉन्ट का कलर भी हम यहाँ से वाइट कर सकते हैं, इसका वाइट कर देंगे और इसका फॉन्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज कर देंगे। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर जो श्रीराम का नाम है वो यहाँ पे कुछ हिडन सा हो रहा है, तो हम इसकी 10 की जो रो संख्या हमारी इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे ताकि जो नाम हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से शो हो जाए, और इसको भी हम यहाँ पर बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और इसको भी अलग अलग सिंगल में बॉर्डर में देंगे, तो कुछ इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर भी इनके भी ओपन है जो बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। और उसके बाद में आपका जो वायरस का जो डाटा है उसको भी हम यहाँ से कट करेंगे इसको और इसके सामने ले आएंगे, और उसके बाद में यहाँ से इसको भी कट करेंगे सराम को, उसका नाम भी हम इसके यहाँ पर ले आएंगे, और उसके बाद में इसका जो स्टेट है वो भी हम यहाँ से कट करके यहाँ पर ले आएंगे, और स्टेट है इसको भी कट करके हम यहाँ से यहाँ ले आएंगे, और उसके बाद में हम इसको भी सेम उसी तरीके से इसको मर्ज करेंगे, इसको भी हम यहाँ से मर्ज करेंगे, और उसको बाद में ये जो ऑप्शन है हमारे पास ये मर्ज इसको हम कर देंगे दो सेल के साथ में, दो सेल को सिलेक्ट करेंगे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे, इसी तरीके से राजस्थान को यहाँ से सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे, और इसको हम यहाँ पे वापस कर देंगे सारा डाटा हमारा बॉर्डर में, और उसके बाद में यहाँ पर जो ऑप्शन जो कलर आपको दिया जा रहा है रेड कलर का, इसका सबसे पहले हम इसकी बैकग्राउंड चेंज कर देंगे रेड कलर के साथ, इसको कर देंगे रेड कलर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसका भी डाटा हम यहाँ से रेड कलर करेंगे, और अभी इसके अंदर जो नाम है उसका जो डिज़ाइन है वो येलो कलर में है तो इनको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको येलो कलर सेलेक्ट कर देंगे। अगर हम दोनों का रिकॉर्ड अगर आप एक ही फॉन्ट के साथ सेलेक्ट करना रखना चाहते हो तो इन दोनों को हम सेलेक्ट कर लेंगे, और फॉन्ट का जो साइज जितना आप रखना चाहते हो इतना वन टाइम एक साथ कर सकते हो दोनों का भी, और उसके बाद में इसको भी हम यहाँ से फॉर्मेटिंग चेंज कर देंगे बॉर्डर में लगा देंगे इसको, और इसको भी हम यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, तो इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर जो डाटा हमारा वो बॉर्डर में आ गया है। तो इस तरीके अगर आप इसको भी बॉर्डर में हम कर लेना चाहें तो बॉर्डर में ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको एक अलग से रो संख्या नजर आ रही है तो इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे ताकि हमारा एक्स्ट्रा स्पेस है जो खत्म हो जाए। तो इस तरीके से हमने हमारी जो ये जो फॉर्मेटिंग है इसको सेलेक्ट कर दिया है। अब बारी आती है दोस्तों इसके फॉर्मेट की, यहाँ के अब यहाँ पे देख रहे हो अब ये जो आपका अमाउंट वाला जो कॉलम है वो आपके ओ की कॉलम से बाहर जा रहा है यानी कि पी के कॉलम में आ रहा है, तो हम सबसे पहले इस डाटा को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल एक्स के साथ, इसको कट करना है, अब आपको कट करने के बाद आपको एक अंदर की तरफ ले आएंगे इसको, अब एक अंदर आ गया कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सेट कर देंगे। अब उसके बाद में आप देख रहे हो यहाँ पर आपका जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको भी हम डिलीट कर देंगे, डिलीट करने के लिए सेम वही ऑप्शन, सबसे पहले आप अपने रो संख्या को यहाँ से सेलेक्ट कर लो जितना आप डिलीट करना चाहते हो, सेलेक्ट कर लिया और इसमें डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा हमारा डिलीट हो जाएगा। अगर आप एक का स्पेस रखना चाहते हो उसके अंदर तो आप एक रख सकते हो, बाकी को डिलीट कर दो, तो इस तरीके से हमारा जो बीच में एक जो स्पेस बच जाएगा। अब उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर जो स्टॉक आइटम का नाम है वो पूरा लिखा हुआ है सीगेट हार्ड डिस्क 500 GB का, और यहाँ पर नाम आपको आधा ही नजर आ रहा है लेकिन आपके फॉर्मूला बार में आपको नाम है जो यहाँ पर पूरा देखने को मिल रहा है क्योंकि बाकी का नाम है जो अब हिडन हो गया है। इसको ओपन लाने के लिए सेम इसी तरीके से इसको सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन आ जाएगा, और उसके बाद में इसी तरीके से को बाकी का जो रिकॉर्ड है हमारा अमाउंट को हम इस तरीके से इधर ला के रख सकते हैं हम इसको, या आप इसको वापस हम इस साइड से इसको कट करेंगे एक इधर ले आएंगे तो ये वापस इस साइड में आ जाएगा।
अब आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर जो नाम हैज है तो आपको जो नजर आ रहा है, इसका मतलब है इसमें कुछ अमाउंट लिखी हुई है, लेकिन आपकी रो संख्या जो कॉलम है जो विड्थ कम है, इसलिए आपको वो सही तरीके से नजर नहीं आ रहा। जैसे हम इसकी विड्थ बढ़ाएंगे सारा डाटा ओपन हो जाएगा, और उसके बाद में इसको जो जो भी आपको हिडन नजर आ रहा है उसको हम ओपन करते जाएंगे, और बाद में इसकी फॉर्मेटिंग है जो सेट कर देंगे। अब उसके बाद में देख रहे हो यहाँ पे जो टैक्स की अमाउंट है वो बिल्कुल इस अमाउंट के नीचे में आ रही है, लेकिन यहाँ पर अलग आ रही है, तो इसको भी हम यहाँ से कट करेंगे। सेलेक्ट किया कंट्रोल एक्स के साथ और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब उसके बाद में आप देख रहे हो CGST टैक्स और SGST टैक्स आपको यहाँ होने चाहिए, जबकि इसमें यहाँ पर आ रहे हैं, तो इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम कट करेंगे कंट्रोल एक्स के साथ, और इनको भी हम कंट्रोल वी के साथ यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने कुछ ये डिजाइनिंग कर ली है। अब उसके बाद में अब इसके फॉर्मेट को भी हमने जो एक्स्ट्रा आपके पास रिकॉर्ड आ रहा है, जैसे ये डाटा आपके पास, इनका आपको कॉलम है जो नहीं चाहिए, ये जो लाइन है एक्स्ट्रा नज़र आ रही है आपको, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और नो बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। अभी हमें एक बार बॉर्डर नहीं लगाना है, क्योंकि बॉर्डर जैसे अगर आप लगाते जाओगे तो कुछ कुछ चेंजिंग आपकी होती जाएगी। और अब हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे सभी को वापस एक बार फिर से, और अब हम वापस वही हमारा थिक बॉक्स बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे, और अब हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे, थिक बॉक्स बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे, और अब आपका जितना भी डिस्क्रिप्शन है इसको भी आप मर्जेंट सेंटर कर सकते हो। और उसके बाद में अगर आप इनके फॉन्ट का साइज़ है या डिज़ाइन इसका कोई चेंज करना चाहते हो यहाँ से फॉन्ट का, तो आप चेंज कर सकते हो। और उसके बाद में हम सभी का बारी बारी से इसका जो फॉर्मेटिंग है हमारी, इसको डिज़ाइनिंग करते जाएंगे। इसको हम इस तरीके से हम इसको डिज़ाइन करेंगे जैसा कि हमें ऑलरेडी हमने करके रखा हुआ है। अब क्वांटिटी आपको एक साइड में नज़र आ रही है, इसको मर्ज करेंगे तो ये भी दोनों बिल्कुल बराबर में आ जाएगी। करेंगे उसके बाद में थिकनेट करेंगे, फिर इसके बाद में फिर हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ से इसको भी सेलेक्ट करके। दोस्तों आज की इस वीडियो हमने कोई फॉर्मूला यूज़ हमने नहीं किया, केवल बेसिक फॉर्मेटिंग सीख किया, किस तरीके से कलर चेंज करना है, किस तरीके से इसका डिज़ाइन चेंज करना है, रो संख्या किस तरीके से मर्ज करते हैं, किस तरीके से अनमर्ज करते हैं, केवल हमने बेसिक बातें सीखने का ही पर्पज़ है दोस्तों हमारा ये, ताकि हमें अच्छी तरीके से, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई प्रैक्टिकली रिकॉर्ड नहीं होता तब तक हम एक्सेल को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर हमारे पास एक्सेल नहीं होता, अगर हम बेतुके इधर उधर कोई मर्ज कर लिया, किसी को अनमर्ज कर दिया, तो उसका कोई फ़ायदा हमें नहीं मिलता जब तक हमारे पास कोई ओरिजिनल रिकॉर्ड ना हो, क्योंकि ओरिजिनल रिकॉर्ड से जो बातें सीखी जाती है उसकी जैसे हम बगैर रिकॉर्ड के नहीं सीख सकते। और उसके बाद में एडजेसन कोड वगैरह, इन सभी का रिकॉर्ड हम इस तरीके से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे देख लो इसकी जो स्टाम्प्स आ रही है आपको, अब इसको स्टाम्प को भी यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर हम कर देंगे, और इसको यहाँ से अब राइट साइड सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारी एक साइड में इस तरीके से अलग आ जाए। इसको भी सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे और राइट साइड में करेंगे। अब इसका हम चाहें तो इसके बैकग्राउंड है जो येलो कलर में है, और इसको यहाँ से भी हम इसकी बैकग्राउंड येलो कलर से चेंज कर सकते हैं, और इसका जो फॉन्ट का डिज़ाइन है वो भी हम बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हमने बढ़ा दिया है, और इस तरीके से अगर आपके पास जैसे जो अमाउंट लिखी हुई आ रही है शब्दों में, उसको भी हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे ताकि वो भी ओपन हो जाए। हम अगर आपका डाटा कोई हिडन हो रहा है तो हम इसको रो संख्या को नीचे ला सकते हैं, और अभी आप देख रहे हो रो संख्या नीचे रही, लेकिन हमें जो चाहिए वो थोड़ा सा ये जो वर्डिंग जो लिखी हुई है ये ऊपर की साइड में हमें चाहिए, इसके ये बिल्कुल सेंटर में आए, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे बीच वाले ऑप्शन को सेंटर पे, हम इस पे सेंटर पे आएंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। अगर आप जो चाहो तो इसको और ज़्यादा भी अट्रैक्टिव बना सकते हो अपने फॉर्मेटिंग के थ्रू, क्योंकि दोस्तों आपके प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा जरूरी इस पर डिपेंड करती है। तो हमने जो पहले से जो ऑलरेडी हमारा जो बनाया हुआ है कुछ इसी तरीके के बनाने की हमने कोशिश करी है। अब उसके बाद में दोस्तों हमें ये लोगो हमें लगाना होता है, तो लोगो भी आप लगा सकते हो। तो लोगो लगाने के लिए दोस्तों आपके पास जो लोगो का वो डिज़ाइन पहले से क्रिएट किया हुआ होना चाहिए, तो जैसे मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इंसर्ट पे जाऊंगा। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको दिखेगा पिक्चर का, और पिक्चर पे जाऊंगा मेरे पास लाइब्रेरी में है, और वीडियो के फोल्डर में ये लोगो मेरा पड़ा है, इंसर्ट करूंगा तो अब ये जो लोगो है अभी आपका यहाँ पर आ गया। अब आप इसको ड्रैग करके जहाँ पर भी आप इसको रखना चाहो वहाँ इसे सेट कर सकते हो, इसको छोटा बड़ा भी यहाँ से कॉर्नर से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इस तरीके से हम इसको डिज़ाइनिंग है जो तैयार कर सकते हैं।
अगर आपको कोई ऐसी सेल है जो आपको कोई ज्यादा नजर आ रही है, तो आप इसको यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करोगे इन पे ऑटो फिट है इनकी जो डाटा हो जाएगा, जितनी जरूरत होगी जिस कॉलम को डबल क्लिक करने पे हो जाएगा ऑटो फिट हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हो हमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस कॉलम को जितने की जरूरत है वो उतना ही ओपन होगा, एक्स्ट्रा स्पेस है जो आपका यहाँ से खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको डिजाइनिंग करना सीख सकते हैं। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वो भी कर लेना, क्योंकि हम आगे भी इसी चैनल पर आपके लिए प्रैक्टिकल वीडियो और भी लाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।